स्वागत करते हैं आपका ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है रूस की क्रांति। आपके एग्जाम व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रूस की क्रांति पूछता है, इस साम्यवाद और समाजवाद जो लेसन है इसमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूस की क्रांति, आखिर रूस में क्रांति क्यों हुई? याद रखिए कि जितना भी क्रांति होता है, एक ही तो उसका वजह होता है, असंतोष। यानी असंतोष क्या होता है? यानी कि लोग के अंदर संतुष्टि नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। अब जो लोगों के अंदर हमेशा से अगर दो गो वर्ग है, ठीक है, तो वहाँ पे लड़ाई क्यों होगा? जब एक आदमी संतुष्ट नहीं रहेंगे, उनको किसी वजह से उनसे दुखी, मतलब कि प्रॉब्लम मिलेगा, समस्या मिलेगा, तो हमेशा इंसान दुखी रहता है। यानी जब भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा तो वो क्रांति, लास्ट में वो झगड़ा करेगा ही करेगा, क्रांति होगा ही होगा। रूस में क्रांति क्यों हुआ? बहुत पहले तो राजा महाराजाओं का जमाना था, और उस समय क्रांति होता क्यों था? क्योंकि राजा, अधिकतर राजा निरंकुश हुआ करते हैं। और याद रखिएगा, रूस में राजा जो होते हैं, वहाँ के जो भी शासक होते हैं, उनको जार बोला जाता है। यानी कि रूस के राजा को क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। वहाँ के जार बड़े ही निरंकुश थे, और निरंकुश होने के कारण वो अपने प्रजा पर ध्यान भी नहीं देते थे। और प्रजा पर ध्यान जब नहीं देते तो प्रजा दुखी हो जाती थी, और दुखी हो जाएगी तो उससे खुश नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी जब भी जनता में कोई ना कोई एक चालाक जरूर होगा, थोड़ा सा अच्छा दिमाग वाला पढ़ा लिखा, वो लोगों के अंदर फिट करेगा कि ये राजा हम लोगों को बड़ी परेशान कर रहा है, और उस हिसाब से क्रांति होना शुरू हो जाता है। हर एक वर्ग में तकलीफ होता है, आप जिस भी फील्ड में उस समय के लोग काम करते थे उसी में राजा अपना, मतलब हमेशा जा करके उसमें कोई ना कोई बाधा डाल देता था। यहाँ देखिए कि कौन कौन से वर्ग को राजा द्वारा बहुत सारा पीड़ा मिला है, दर्द मिला है, और ये सब वर्ग मिल करके राजा के खिलाफ लड़ाई किए हैं, क्रांति किए हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो क्रांति दो बार हुआ, यानी कि फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में हुआ। एक तरह से देखा जाए तो नए कैलेंडर के हिसाब से इसको मार्च की क्रांति ही बोलते हैं, और ये लेनिन द्वारा हुआ था, ठीक है, आई नवंबर की क्रांति। पूर्ण रूप से संपन्न जो हुआ था 1917 में नवंबर में हुआ था, आज के कैलेंडर के हिसाब से नवंबर में, और पुराने कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर 1917, यानी 1917 में रूस की क्रांति संपन्न हुई, जिससे हम लोग इस अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। अब ये जानेंगे कि बोल्शेविक क्रांति इसका क्यों नाम पड़ा, रूस की क्रांति का अक्टूबर वाला जो है, यानी अक्टूबर नवंबर की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहते हैं। और यह लास्ट वाला जो रूस की क्रांति हुई थी, जो पूर्ण रूप से संपन्न हुई थी, जिसमें राजा भाग ही गया था, प्रधानमंत्री जो भी वहाँ का था शासक चला गया था, वो लेनिन द्वारा भगाया गया था। लेनिन जो थे, ठीक है, ये उस राजा को भगाए थे। देखिए कैसे, जार्ज की निरंकुश था, जार्ज बहुत ही निरंकुश था, उसे सिर्फ भोग विलास में हमेशा वो डूबा रहता था, जनता से किसी प्रकार का मतलब नहीं था, और वह सबसे ज़्यादा बड़े लोगों को विशेष अधिकार दिया था, और छोटे लोगों को उच्च पद पर नौकरी मिलता ही नहीं था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी और ये बात, आखिरकार ये राजा क्यों ऐसा करता था? क्योंकि राजा के चारों तरफ जो भी मंत्री वगैरह बैठते थे, ठीक है, वो राजा के की चापलूसी करते थे, सिर्फ राजा का तारीफ करते थे ताकि राजा खुश रहे, किसी भी जनता की समस्या को वो नहीं बताते थे। ये देखिए, और उनकी जो पत्नी थी जरीना और राजपूतिन, ये जो जरीना है उनकी पत्नी थी, और जो राजपूतिन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये पादरी थे, वहाँ पे पोप जो लोग होते हैं पादरी थे। इन दोनों को साथ में लिखने का एक वजह है, ठीक है, कि तो यहाँ पे जो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था, यहाँ लिखे नहीं है लेकिन ध्यान रखिए, जॉर्ज निकोलस द्वितीय जो था, ठीक है, उसकी पत्नी जरीना थी, लेकिन इनका नाम हम लिखे हैं राजपूतिन के साथ। क्यों? क्योंकि जरीना और राजपूतिन दोनों में अफेयर चल रहा था, ठीक है, और ये अपने आप को भगवान समझता था, और ये समझता था कि हम जो बोलेंगे वो जरीना को बोलता था, जरीना वो करती थी, और जरीना राजा से वो काम करवाती थी, क्योंकि जो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था वो कहा जाते एक तरह से बीबी का गुलाम था, यानी कि अपनी वाइफ की हर एक बात मानता था, इसलिए उसका राजकाज सही से नहीं चल पाया। और यहाँ पे राजपूतिन और जरीना दोनों में अफेयर था, और ये दोनों ने मिल करके पूर्ण रूप से, यानी रूस को ध्वस्त करने में इन्हीं लोगों का भी हाथ माना जाता है। कृषकों की दयनीय स्थिति, जितने भी कृषि खेती करने वाले, रूस में लगभग 85% लोग खेती करते हैं, और वहाँ पे कृषि के लिए भूमि उपलब्ध है, उपलब्ध भी है। ऊपर खैर वो तो पूरा मतलब बर्फीला इलाका है, लेकिन इसमें कृषि के लिए जगह है, उसमें देखा जाए तो वहाँ पे कृषि, मतलब जो भी खेती करने वाले लोग, उन लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि वो कर्ज के तले दबे हुए थे।
कुछ लोग आए और कृषि दास्ता को खत्म भी किया, जैसे जार्ज अलेक्जेंडर ने द्वितीय ने कृषि दास्ता को खत्म किया, यानी कि जो कृषि करने वाले लोग है वो दास के रूप में, नौकर के रूप में काम नहीं करेंगे। इस नियम को हटाया कब, 1861 में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितने भी लोग किसान थे, ठीक है, वो कर्ज के बोझ में दब चुके थे, ठीक है, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। और कर्ज के बोझ में जब दब जाएंगे तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, जिसको कर बोलते हैं, ठीक है, तो जब टैक्स नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है राजा अगर थोड़ा सा भी दबाव देगा तो किसानों के अंदर गुस्सा आएगा, और एक ही ऑप्शन था क्रांति करना, ठीक है। किसानों, मजदूरों को क्या था, मजदूरों की भी दयनीय स्थिति खराब थी, बड़े बड़े लोग उनसे काम करवा लेते थे, उसके बाद से उनको मजदूरी भी नहीं देते, तो ये भी गुस्सा था, यानी ये भी असंतोष का भावना इनके अंदर था। रूसीकरण की नीति काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे रूसीकरण की नीति में पोल जर्मन, देखिए जो रूस था, ठीक है, उसमें बहुत सारा देश, मतलब बहुत सारे देश मिला करके, ठीक है, और यहाँ पे जो रूस में एक सरकार बनाया गया था और उसमें पोल था, जर्मन था, यहूदी था और सब बहुत सारे, यहाँ पे इत्यादि लिख लीजिएगा, बहुत सारे देश थे, और अलग अलग देश में अलग अलग संस्कृति होता है, अलग अलग भाषा बोला जाता है, लेकिन रूस के राजा क्या बोला, और ये दिमाग में कौन ठोका, राजपुतिन जो कि पादरी था, कि यहाँ जो आप रूस के राजा हैं, जार्ज निकोलस द्वितीय से कह रहा है, आप तो रूस के राजा हैं, और जब रूस के राजा है तो रूस में एक ही तो संस्कृति रखिए, एक ही तो भाषा रखिए, सब जितने भी देश हैं उन सब को बोलिए कि अपना संस्कृति को अपनाएं, रूस के संस्कृति को अपनाएं, ठीक है। सोवियत रूस जो था, पूरे रूस में बहुत सारे देश मिल करके एक सोवियत रूस बना था, ठीक है, और सब देश में अलग अलग क्या था, संस्कृति था। ये बात और सब देशों को अच्छा नहीं लगा, हम अपना संस्कृति क्यों खोना चाहेंगे, यहाँ अपना भारत है जो इंडिया है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार का पर्व त्यौहार जो भी होता है उसमें पूजा करते हैं, किसी के संस्कृति को कोई मतलब कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे ये रूसीकरण की नीति यही था कि एक ही भाषा होना चाहिए, एक ही संस्कृति सब कोई अपनाए, इससे भी लोग दुखी थे। इस तो लोग दुखी थे, लेकिन रूस में एक और बुरा प्रभाव एक रूस का था, रूस पर पड़ा, और वो प्रभाव क्या था, थोड़ा सा यहां देखिएगा, ऑलरेडी यहां की जनता ना खुश है, ठीक है, और ये इसका बैड लक ही माना जाएगा जार्ज निकोलस द्वितीय को, जहां जहां लड़ाई किया वहां वहां हार गया, और जब ये हार गया तो जनता यहां की सोची, जो भी प्रजा थी, कि आखिरकार जब ये हमारा रूस जो है अपने आप को हम लोगों पर अपना ताकत दिखा रहा है कि हम इतने मजबूत हैं, और जिस देश से लड़ रहा है उस देश से हार जा रहा है, क्रीमिया के युद्ध में बुरी तरह से हार गया, ठीक है, यहाँ पे इसके हारने के बाद बहुत प्रभाव पड़ा रूस पर, ठीक है, उसके बाद से हद तो तब हो गई जब एक छोटा सा देश जापान, जापान से जब रूस में लड़ाई हुआ, रूस बहुत बड़ा देश, आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो बहुत बड़ा है, मैप में आप देख लीजिएगा, और जब एक छोटे से देश जापान से बुरी तरह से हार गया, तब लोगों का दिमाग खुला कि ये तो छोटा से छोटा देश से भी यहाँ का राजा हार जा रहा है, ये कितना अय्याशबाज है, भोग विलास में डूबा हुआ है, और यहाँ पे हारने के बाद तो वहाँ की किसी भी देश में जब लड़ाई होती है तो कोई भी देश हारे या जीते आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से वो गरीब होते जाता है, तो एकदम भुखमरी की स्थिति आ गई। जब 1905 में लड़ाई हुआ रूस और जापान में, तो रूस पूरी तरह से हार गया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, अब वहाँ के लोग भुखमरी की स्थिति आ गई, तो वो राजा के महल की तरफ चले गए, ठीक है, और रोटी दो के नारे लगाते रहे कि राजा हमको रोटी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जाने लगे, और वो कौन सा महल था, तो सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जाने लगे, और वह दिन संडे था, लोग फ्री थे और संडे दिन था, तब तक कि राजा ने आदेश दिया, वहाँ के जो भी शासक थे वह आदेश दिए, और वहाँ पे वहाँ की सेना ने फायरिंग करना शुरू कर दी, और वहाँ पे हजारों लोग मारे गए, वह दिन रविवार था, इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है। 1905 में जब यह हारा तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया भुखमरी के वजह से, ठीक है, और वो महल के तरफ चले गए, और वहाँ पे राजा ने गोली चलवा दी, और उसके बाद से वो दिन रविवार का था, इसलिए उस दिन का नाम था खूनी रविवार, ब्लडी संडे, यानी 9 जनवरी 1905 को ये खूनी रविवार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा प्रभाव क्या था, रूसीकरण, रूस में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए जब ये मामला थोड़ा सा शांत हो गया तो देखा गया कि वहाँ की जनता काफ़ी बौखलाई हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ठीक है, तो वहाँ के राजा बोले कि ठीक है आप इसके बाद जो बोलिएगा वही मानेंगे, जनता का बात हम मानेंगे, एक बार हमको और मौका दिया जाए। तो बोले क्या करोगे तुम, पूरे देश में बहुत बड़ा रूस है, सब घर जा करके तुम पता करोगे कि समस्या क्या है,
क्या तुम उसको बता सकते हो, हर एक पॉइंट को पकड़ सकते हो, किसके किसके घर जाओगे समस्या देखने के लिए? तो बोले कि नहीं। राजा बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, एक काम कीजिएगा, अपने टोटल समस्या अपना ग्रुप बना लीजिए और एक आदमी को बताइएगा, और हर एक छोटा छोटा गांव से एक एक आदमी हमारे पास आएंगे, ठीक है, और इस हिसाब से उन लोगों को बैठा करके एक सभा लगा देंगे और उनसे हर एक आदमी से पूछेंगे कि आपके यहाँ की समस्या क्या है और फिर उसका समाधान करेंगे। तो जो ये बैठा करके और वहाँ पर जो एक सभा बनाया गया, उस सभा का नाम था ड्यूमा, ड्यूमा का गठन हुआ था। लेकिन जब देखे राजा की बापरी, तो सबसे गांव में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जब इनसे राजा से नहीं हो पाया, क्योंकि राजा उसमें समय देना नहीं चाहता था, वो अपने भोग विलास में डूबा रहता था और वो मतलब कि निरंकुश था, उसे जनता कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं था। उस ड्यूमा को भंग कर दिया, बहुत बार ड्यूमा बना, भंग हो गया। 1905 में ड्यूमा लगाया, 1906 में भंग भी कर दिया। जब 1906 में भंग कर दिया, फिर जनता बौखला गई, गुस्सा हो गई, ठीक है। तो अब सोचा कि अब क्या करें, जनता जो भी प्रजा है इनके गुस्सा को शांत करने के लिए क्या उपाय करें। वो सोचे कि अगर हम किसी, प्रथम विश्व युद्ध उसी समय चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला है, ये याद रखिएगा, 4 साल चला है, 1914 से लेकर के 1918 तक। तो सोचा कि युद्ध भी चल रहा है, एक काम करते हैं, सेना को भेज देते हैं लड़ाई में, ताकि पूरा देश के अंदर रूस में जुनून आ जाए, कि क्योंकि जो भी सेना के लोग होते हैं वो गांव के ही, मतलब उसके प्रजा के ही लोग आकर के सेना में भर्ती होते हैं, तो सारा ध्यान रहेगा एकदम मतलब कि लड़ाई पर, तो इस तरह जनता भी शांत हो जाएगी, ठीक है, और वो विरोध भी नहीं करेगी मेरा। तो वो भेज दिए रूस, मतलब कि रूस की सेना को प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन इतना बैड लक्की इंसान था, ठीक है, कि वो प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार गया, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछली बार एक युद्ध लड़ चुका था जिसमें हार चुका था, और उसके पास हथियार की भी कमी थी, और यहाँ तक कि उसकी आर्थिक स्थिति इतना खराब थी कि सैनिकों को खिलाने के लिए भोजन भी नहीं था। कुछ सैनिक, अच्छा खाली पेट तो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा और बिना हथियार के, ठीक है, तो वहाँ से कुछ सैनिक भाग करके भी बुरी तरह से हार गए। और इस बात को राजा गुप्त रखना चाहता था कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में हार गए, ये बात वो चाहता था कि जनता में नहीं फले, क्योंकि जनता को और गुस्सा आएगा, ठीक है। और इस बात को देखते हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना की आखिर हार हो गई, हथियार और यहाँ पे भोजन की कमी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसी सैनिक, वो तो गांव के ही सैनिक सब थे, ठीक है, तो आकर के अपने पूरे समाज में बताया कि भोजन की कमी थी, हथियार नहीं था, तो कोई कैसे खाली पेट और खाली हथियार के बिना कैसे हम लड़ पाएंगे, ठीक है। तो फिर जनता में गुस्सा आ गया, ठीक है, और वहाँ की स्थिति देखिए, युद्ध के बाद प्रभाव आपको बता दिए हैं, ठीक है। किसान मजदूर ने फिर से एक बार राजा के तरफ, मतलब पूरा जाकर के महल के तरफ गए और वहाँ पे नारा लगाने लगे, रोटी चाहिए हमको, फिर से भुखमरी की स्थिति आ गई। फिर राजा ने क्या किया, अपने सिपाहियों को बोला कि गोली चलवाओ, जिस तरह खूनी रविवार में हुआ था, दोबारा बोला कि गोली चलाओ, लेकिन यहाँ पे सेना ने गोली नहीं चलाया, क्योंकि उन सेना को पता था कि ये मारे जाने वाले लोग सब मेरे ही हैं, मेरे ही घर परिवार के लोग हैं, और उन्होंने, सेना ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया। अब राजा का हालत खराब हुआ कि जिस सेना पर हमको भरोसा था वो मेरे ही खिलाफ आज खड़ी हो गई है। इस हिसाब से यानी कि वहाँ के किसान भी 7 मार्च 1917 को विद्रोह कर दिए, ठीक है, किसान और मजदूर, और वहाँ की महिलाओं ने भी, ठीक है, जो मिल मजदूरी, मतलब मिल में काम करती थी, 8 मार्च को उन्होंने भी हड़ताल कर दिया और वो भी रोटी देके नारे लगाने लगे 8 मार्च को। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ जब देखे कि बहुत सारी संख्या में लोग रोटी दो के नारे लगा रहे हैं, और जार को अब बस के बात नहीं था, क्योंकि सेना ने भी तो धोखा दे दिया था, और इस प्रकार से 12 मार्च को जार्ज वहाँ से पलायन हो गया, यानी कि भाग गया, ठीक है। फिर जब जार्ज के जाने के बाद से रूस को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद से बुर्जुआ वर्ग का गठन हुआ, लेकिन इससे भी 15 मार्च को हुआ, 15 मार्च 1917 याद रखिएगा, ये 17 की ही घटना है, ठीक है। लेकिन इससे भी जनता खुश नहीं थी। जब इससे जनता खुश नहीं थी तो फिर से देखा गया कि अब इस रूस को चलाएगा कौन, ठीक है। तो 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसका गठन किया गया, और इस गठन में ये भी ज़्यादा दिन तक चला नहीं, इसमें भी दो भाग हो गया, ठीक है। अब एक भाग हो गया बोल्शेविक, 1903 में ये टूट गया, ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि 98 का 99 से 5 साल बाद, 5 साल तक ठीक ठाक चला, उसके बाद से खड़बड़ कुछ लफड़ा हुआ और दो टूट गया, और एक बना बोल्शेविक और एक बना मेंशेविक। अब बोल्शेविक और मेंशेविक में
सबसे ज्यादा जनसंख्या मेन सेविकों की थी यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि वहां जब जहां जनसंख्या ज्यादा होगा उस हिसाब से लोग चाहते थे कि अब मेरा राज्य रहे। मकसद दोनों का सेम नहीं था, ये मध्यम वर्ग को सपोर्ट करते थे और ये सर्वहारा वर्ग को सपोर्ट करता था, बोलशेविक, जो बोलशेविक क्रांति है, बोलशेविक दल और एक मेंशेविक दल, ये दो प्रकार के दल टूटे। एक मध्यम वर्ग को, सिर्फ मध्यम वर्ग को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है, और एक सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसा वर्ग जिसमें किसान और मजदूर दोनों मिल करके, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं मिल करके एक वर्ग बनाए और उन लोगों के समर्थन के लिए जो नाम आया, जिसको नाम है सर्वहारा वर्ग, जिसमें सभी वर्ग आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो बोलशेविक क्रांति जो है, बोलशेविक जो भी लोग हैं ये सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शासक हुए, ठीक है, क्रेंस्की, इसको हटाने का काम किया गया यहाँ पे लेनिन ने किया। लेनिन जब आए तो उन्होंने इस समय उस रूस में जो था, ठीक है, कौन राज कर रहा था, क्रेंस्की कर रहे थे, तो उस समय लेनिन आए और लेनिन ने आकर के इनके जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उस सब पर अधिकार कर लिए, यानी कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उस पर अधिकार कर लिए। कब, 25 अक्टूबर, और नए कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 7 नवंबर 1917 को, ठीक है, पूर्ण रूप से सरकारी कार्यालय जैसे कि बैंक, डाकघर, रेलवे, इस सब पर अधिकार कौन कर लिया, लेनिन, क्योंकि लेनिन का समर्थन पूरी जनता कर रही थी, इसीलिए उस पर अधिकार कर लिया और इस हिसाब से पूर्ण रूप से लोगों का सरकार बन गया और रूस की क्रांति संपन्न हुआ। और यहाँ से ये क्रेंस्की वहाँ से अपना सत्ता छोड़ करके भाग निकले, पूर्ण रूप से रूस की क्रांति संपन्न हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि रूस की क्रांति में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रूस की क्रांति दो पार्ट में कैसे हुई, एक पार्ट था मेंशेविक का और एक पार्ट था यहाँ पे लेनिन का, ठीक है, ये कैसे हुआ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है खूनी रविवार, खूनी रविवार कब हुआ, कैसे, ड्यूमा का गठन, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।